उन्होंने भी शिबीर खान की हमायत का ऐलान कर दिया है। तहसील बफा नई तहसील हमारी और ये सब नए मेंबरान हैं। मैं भरपूर हमायत का ऐलान करता हूँ उनके साथ, लिहाजा हम इन्हें भी विड्रॉ करते हैं जनाब शबीर खान साहब के हक में। तमाम तहसीलों में डिप्टी मेयर जो होंगे तमाम इंशाल्लाह मुस्लिम लीग के जीतेंगे। दूसरा मेरा साथ जो किसान काउंसलर है तहसील में, सब की जानिब से इनको भरपूर अपनी हमायत की यकीन दिलाता हूँ। 55 मेंबरान की हमायत हमें हासिल हो चुकी है और इंशाल्लाह हमारी कामयाबी है। बहुत शुक्रिया शबीर खान साहब के हक में इंशाल्लाह ताला ब्रॉडकास्ट करेंगे और कामयाबी शबीर खान की होगी 25 तारीख की, हम भरपूर उनकी हमायत करेंगे। शुक्रिया शबीर खान जो है ना उसको इंशाल्लाह 15-20 वोट डिलीट दे इंशाल्लाह। सबको जो हमें तो ये दावत देता हूँ कि दूसरी तरफ से भी किसका कोई इलेक्शन न हो। 25 तारीख को इंशाल्लाह इंशाल्लाह शबीर खान कामयाब होंगे और 25 जनवरी का सूरज शबीर खान साहब की कामयाबी का सूरज इंशाल्लाह। इसी तरह हमारी कायदीन से भी रिक्वेस्ट होगी कि इस तहसील में मुकाबला नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बिला मुकाबला शबीर खान इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट हैं और वो डिप्टी कन्वीनर बने इंशाल्लाह ताला। हर एक अपना किरदार अदा, ये सरदार साहब का वोट है और सरदार साहब की अमानत है हमारे पास, जितने भी सरदार साहब बोलेंगे हम इंशाल्लाह हाजिर हैं, सारी उम्र हाजिर रहे। और इंशाल्लाह इनको मैंने कहा कि मेरे और भाई भी आपके साथ आएंगे। शबीर खान साहब की भरपूर हमायत करते हैं। शबीर खान जो है हमें पूरा यकीन है कि वो जीत जाएंगे इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नाल पहले दिन तो रहे थे और हर दम तक मुस्लिम लीग के साथ ऐसा। नो वोट शबीर खान साहब को पास है तो सरदार साहब इसका फैसला की थे, इस फैसले को ने इनके कैंडिडेट जनाब शबीर खान साहब जो कि इंतहाई अच्छे इंसान है और उनकी पसंद शाह खान साहब की पसंद हमारे लीडरशिप की पसंद जो है वो हमारी पसंद है। आदत में शबीर खान नाल पूरा ताउन दा और हर किस्म की कुर्बानी का ऐलान करता हूँ। आज मैं इनके ग्रुप में इंशाल्लाह शामिल हो गया, डिप्टी मेयर है इंशाल्लाह, उनकी तरफ से आपकी हिमायत का ऐलान करता हूँ। मैं भी शबीर खान को मुबारकबाद देता हूँ, इंशाल्लाह आप इलेक्शन जीत चुके हैं अल्लाह के। जो कन्वीनर का इलेक्शन है जिस काम ने इंतखाब हमारी कायदीन ने सदार अपना शबीर खान साहब का किया है शाह खान साहब के साथ और मैं उनको एडवांस मुबारकबाद भी देता हूँ। लेकिन जो इज्जत आपने फखर को शिनगरी को शबीर खान को दी इसमें हम आपके बहुत बड़े मशहूर हैं। आपको एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इंशाल्लाह जीत आपकी है और जब भी सरदार साहब ने और कैप्टन साहब ने जब भी कोई भी प्रोग्राम किसके जिसके सर पे हाथ रखा है अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने उसे सरफरू किया है। हम जो जरगल है कि आप लोगों के पास आना आए थे, हमने तो अभी बात ही नहीं की थी, हमने फैसला दे दिया है, तो आप लोगों को सबको मेरी तरफ से सलाम है। मैं शबीर खान को एडवांस जीतने की मुबारकबाद देता हूँ। नीचे सीटा ना मुकाबला अल्लाह करवा से सारे इज्जत कर दी और मैं अपील कर सा विश्वास खान को लो कि वो पत्रिया पर को अंक बिल्कुल शबीर खान दे आप पे वड्रा का जो है इस भी आसन सारे की जरूरत थी। बात करने की जरूरत नहीं थी, मैं सिर्फ आप सबको मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुआ हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मुंतखब मेंबरान जो आज यहाँ पर मौजूद है, मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने इस तहसील कौंसिल में जो अमांगी पैदा करने के लिए जो जगजहती पैदा करने के लिए जो किरदार अदा किया है और अक्सरियत ने न सिर्फ यहाँ आकर हाजिरी लगाई बल्कि अपने अपने ख्यालात का भी इजहार किया और एक मुनज्जम होकर बल्दियाती सिस्टम को फाल करने के लिए अपना किरदार अदा किया। ये कोई आज तकरीब जो है ये तहसील के डिप्टी मेयर के हवाले से थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने साबित कर दिया कि अब आगे एक फर्जी कार्रवाई है। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन चेयरमैन विलेज काउंसिल जितने भी मतलब यहाँ पे मौजूद हैं, दूर दराज से 4 घंटे से पिछले 4-5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और एक मशावरत और एक अच्छे मरहले के लिए, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पे इत्तेफाक से आज इकट्ठे हुए और इस ईद का इजहार किया कि हम इस तहसील को इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ
आगे बढ़ाएंगे। पहली तहसील आपकी आपकी पहली तहसील की असेंबली है, और जिस तरह कैनी साहब और साजन साहब यहाँ पे कंपेयर वो पूरा प्रोग्राम चला रहे थे, तो सरदार शाह खान साहब और शबीर खान साहब इंशाल्लाह आपकी तहसील में आपके कन्वीनियर होंगे और आप पूरा साथ देंगे। आप साहब ने सबने मिलके चलना है बलाए ताक किसी पार्टी के। आज हमें बड़ी खुशी होती है, लेकिन हर मेंबर तहसील कौंसिल इस काबिल है, इस एल है कि वो इलेक्शन करे, और उसका हक है। लेकिन फिर उसके बाद एक चीज जो हम सब के लिए अफजल होती है कि हमारा एक इत्तेफाक इत्तेहाद हो, और जिस काम के लिए हमें आवाम मुंतखब करती है हम उसको किस तरह डिलीवर करें, उसको उन तक किस तरह पहुंचाएं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बात की कि हम सब जब इत्तेफाक इत्तेहाद से मिलेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से तहसील बफा पखल को भी तरक्की देंगे, इसके लिए भी मेहनत करेंगे, और पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट में के लिए भी मेहनत होगी इंशाअल्लाह। आज मैं शबीर खान साहब, सरदार शाह खान साहब और उनकी पूरी टीम, उनके साथ जितने भी चेयरमैन हैं, उन सबको और उन तमाम कायदीन को मुबारकबाद देता हूँ कि हम सब इस जो नौजायदा तहसील है इसके अंदर हमने ये तरक्की का सफर सब ने मिलकर तय करना है, और जो है इसके लिए हम जो है इसकी रात दिन इसकी मेहनत कोशिश करके और इस तहसील को जो है हमें बेहतरीन तहसील बनाने है ताकि जिला मानसरा में एक मसाली तहसील बन जाए। और इसके लिए हम सब ने अपनी अपनी जितनी भी इंसान की समझ बूझ है उसने अपनी के साथ उस तहसील के अंदर अपना वर्क करना है। बाकी इंसान जो है अपने घर के लिए और अपने महल्ले के लिए या एक इलाके के लिए इंसान खिदमत करता है तो उसकी एक अच्छी सोच होती है। बाकी इंसान की ज़िंदगी तो मुख्तसर है दुनिया में, तो जो है अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए तो हर एक आदमी खिदमत करता है। मज़ा तो तब आता है कि इंसान जो है अपने एक इलाके की खिदमत करे और मकसद अकवाम की खिदमत करे और गरीब लोगों के साथ मदद करे, रात दिन के साथ टाइम निकाल कर उनके मसाइल को हल कर सकें। इसके लिए मैं आपके ताउन पर भी जो है ताउन को उम्मीदवार हूँ कि आप हमारे साथ इसके ताउन करेंगे, और इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी आप सब इंशाल्लाह भरपूर ताउन होगा। तो इस वक्त तक जो नंबर है वो इंशाल्लाह हम पूरे हो चुके हैं और उनसे एक्सीड कर चुके हैं। मैं आप लोगों को एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ।